के प्रमुख स्थल रूप। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं अभी हम लोग देख रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही बनते हैं, जैसे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा, इसी तरह के पर्वतों के ये उदाहरण है। कौन से? ज्वालामुखी पर्वत। अभी पर्वत जो रहते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिम नदियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक तो पहुंचाया जाता है और पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। जैसे नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं और वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद है, रेंजीन इत्यादि प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। अभी सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है और वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, उसके बाद रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम हमें बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा मुद्दा है पठार। तो पठार ये उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है और यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग है वो मेज के समान सपाट होता है और किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं और पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है और पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। और भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। आगे देखते हैं। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा और पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार चित्र क्रमांक 5.1 में दिखाया गया है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। और पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिज जो रहते हैं उस खनिजों की प्रचुरता होती है और यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अभी अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है और भारत में छोटा नागपुर में के जो पठार है वहां पे लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है और भारत में छोटा नागपुर पठार तथा स्वर्णरेखा नदी पर जो स्थित कुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी काफी अच्छी होती है और कई पठारों में तो रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं कि वहां पे जाके वो उसका आनंद उठाए। अगला हमारा है शीर्षक मैदान। तो मैदान जो रहते हैं वो समतल भूमि के बहुत ही बड़े भाग होते हैं और वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं और कुछ मैदान काफी समतल होते हैं। कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं।
और अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। अभी नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है और उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ रहते हैं, जैसे कि पत्थर है, बालू है, उसके बाद सिल्ट है, को वे घाटियां में निक्षेपित कर देती, क्योंकि नदियां तो बहते 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 जाती है और फिर उसके साथ ये सब कुछ बहते रहते हैं। और इन्हीं विक्षोपण से मैदानों का निर्माण होता है, जहाँ पे वो बहना मतलब उधर ही रहते हैं तो वहां पे ये मैदान निर्माण होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, सामान्यत मतलब अगर हम लोग ऐसे देखा जाए तो मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जैसे कि एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं, और एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि मैदान में ही अच्छी तरह से मनुष्य अपनी बस्ती करके रह सकता है। तो यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। जो कुछ भी चाहिए घर बनाने के लिए वो वहां पे उपलब्धता होती है। अभी उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है, और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको मैदान के बारे में लिखिए, ऐसा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए क्या क्या और जानकारी है, चलिए।